गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। मेरे चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ शुभ्रा और आज मैं जो है अभी से जो है अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। अभी एक्चुअली टाइम हुआ है, बहुत टाइम हो गया है। अभी एक्चुअली 11 बजे है, तो जो ब्रेकफास्ट था वो सब कुछ कंप्लीट हो गया। एक्चुअली अभी इतने देर यहाँ पे पावर नहीं था, तो यहाँ पे जैसे छत्तीसगढ़ में होता है, थोड़ा सा कल बारिश हुई थी और आज सुबह थोड़ा बारिश हुई थी, उसके बाद जो है पावर कट था। तो अभी जो है पावर आई है और अभी एक्चुअली मेरा आज का जो बर्तन मेरा अभी नहीं हुआ, झाड़ू पोछा तो हो गया, बर्तन नहीं हुआ, तो मैं अभी वही क्लीन करके फिर मैं लंच बनाऊंगी। तो ये सब चल रहा है। तो आप लोग सब बताइए, आप लोग कैसे हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मैं वीडियो अभी से शुरू कर रही हूँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मैं जाऊँगी किचन में, वो जो मेरा सिंक में जो बर्तन पड़े हैं उसको क्लीन करके फिर मुझे खाना बनाना है। और बेटी जो है वो अपने में आज खेल रही है, आज एक्चुअली वो चेस खेल रही है और मेरे पास आज टाइम नहीं है उसे देने का, तो अब खुद ही खेल रही है। क्योंकि अभी पावर कट था तो मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले थे, वैसे ही था, तो लाइट आ गया। फिर मैंने जो है अपना सारा जो कपड़े है उसको वॉश करके फिर मतलब वॉशिंग मशीन में स्पिन में देके वॉश करके फिर अभी सुखाने दी हूँ। फिर ब्रेकफास्ट किया और अभी जाके जो बाकी का जो काम है वो सब करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो है मैंने अपना जो बर्तन है वो मैंने क्लीन कर लिया और जो भी मैं आपको दिखाऊंगी, आप लोगों को जो भी आज सब्जी बनेगा वो सब काटिंग वगैरह कर लिया और सब कुछ मतलब रेडी कर लिया। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, कर लिया पूरा। और मैंने सिंक भी क्लीन कर लिया और यहाँ पे मैंने जो है सारी चीज़ें रेडी रखा है लंच के लिए। सब्जी काट के आज मैं भिंडी बनाऊँगी, तो भिंडी काट के रखा है। भिंडी के सब्ज़ी के लिए मुझे प्याज चाहिए, टमाटर चाहिए, वो भी रेडी है। और भिंडी के साथ एक्चुअली मैं आलू भी दूंगी भिंडी में, तो वो भी मैं काट के रेडी रखी हूँ। ये रहे आलू, तो भिंडी आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। और यहाँ पे मैंने दाल को भी भिगो के रखा है, मसूर की दाल बनाऊंगी। और यहाँ पे आटा को भी रेडी करके रखा है रोटी के लिए। और यहाँ पे जो है मैंने चावल को भी एकदम पूरा पानी के भिगो के रखा है कुकर में। तो बस अभी रेडी है, अभी फटाफट से जो है मैं सारी चीज़ें बना लूँगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा मेरा सब कुछ अब रेडी है, आप सिर्फ मुझे जो है सब्जी बनानी है, चावल चढ़ाना है, दाल भी चढ़ाना है और आटा भी गूंदना है। तो ये सब कुछ मैं काम कर लेती हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दाल को मैं आज प्रेशर कुकर में तड़का लगा के एकदम फिर मैं ये दाल जो है मसूर की दाल ये दे दूँगी यहाँ पर एकदम प्रेशर कुकर में। मैं थोड़ा प्याज जो है फ्राई कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं ये दाल दे दूँगी। और यहाँ पे मैंने जो है तेल गरम करने को रख दिया है भिंडी के लिए। और यहाँ पे मैंने चावल जो है बैठा दिया है, मैंने तड़का लगा के दाल को इसमें डाल दिया है। अब मैं प्रेशर कुकर के ढक्कन जो है उसको लगा दूँगी थोड़ी देर के बाद, ये थोड़ी देर के उबलने देती हूँ। और यहाँ पर मैंने जो भिंडी के लिए भिंडी मसाला बनाऊँगी उसके लिए मैंने प्याज को फ्राई करने दे दिया है। और यहाँ पे मेरे जो चावल है उसमें सीटी लग गया है, तो अभी ये जो दाल ये लगभग हो गया है, इसका जो प्रेशर कुकर का ढक्कन है वो मैं लगा लेती हूँ। तो मैंने जो है भिंडी को इंडक्शन में मैंने शिफ्ट कर लिया, एक्चुअली मुझे यहाँ पे इजी होता है, और प्रेशर कुकर को मैंने यहाँ पे दे दिया। तो अभी जो भिंडी में मैंने आलू और भिंडी, पहले तो ऑनियन फ्राई हो रहा था, अभी मैं इसमें जो है आलू, भिंडी, टमाटर, थोड़ा सा लहसुन और फिर जो भी सूखे मसाले हैं वो सब डाल दिया है मैंने। अभी ये धीरे धीरे इस तरह फ्राई होते रहेंगे, इसको अच्छे से मैं फ्राई करूँगी। Thank you.
तो फ्रेंड्स अभी मैंने नहा लिया है और मैंने हेयर को जस्ट ऐसे ही रखा है, थोड़ा सा सीरम लगाया है और मैंने हेयर को अभी कोम नहीं किया क्योंकि अभी जो है बाल बहुत गीले हैं, तो अभी कोम करने से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होगा। तो अभी जो है मैं लंच करूँगी और उसके बाद, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, मैं अभी लंच कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का मेरा लंच, चावल और ये भिंडी का सब्ज़ी और ये दाल, राइस दाल और भिंडी का सब्ज़ी, और साथ में ये जो आप देख रहे हो ये है एक पिकल। तो एक्चुअली हम बंगाली है ना, तो हम लोग आम की पिकल है ये, मैंगो पिकल, इसको स्वीट तरीके से हम लोग गुड़ डाल के बनाते हैं जो है ये गुड़ डाल के मैंने बनाया है, कुछ नहीं, इसको हम बंगाली में गुड़ आम भी बोलते हैं, मतलब जागेरी जो होता है नॉर्मल, उस जागेरी से हम आम को इस तरह बनाते हैं और कुछ स्पाइसेस उसमें ऐड करते हैं, मतलब भाजा मसाला बोलते हैं हम, सूखा मसाला कुछ ऐड करते हैं और ये बहुत ही टेस्टी होता है, इसको धूप में रखने से इसका जो टेस्ट है और भी बढ़ता है। तो मैंने आज बनाया है और इस बार मैं फर्स्ट टाइम बनाई हूँ, उसका रेसिपी मैं किसी और दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी जो है मैं लंच कर लेती हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे उसके बाद। मेरा जो लंच था वो अभी कंप्लीट हो गया, तो अभी मैं आके बैठी हूँ, टीवी देख रही हूँ और बेटी जो है वो सो रही है। मैंने लंच कर किया, लंच के बाद जो भी बर्तन था उसको क्लीन करा, क्योंकि क्या होता है ना, लंच के बर्तन अगर रख देती हूँ ना तो बाद में वो शाम को धोने का बिल्कुल मन नहीं करता, वो ऐसे ही सिंक पे पड़ा रहता है, तो इसलिए मैंने धो लिया। और अभी मैं थोड़ी देर बैठी हूँ, थोड़ा टीवी देख रही हूँ और बेटी जो है सो रही है। बेटी का अभी आज डांस क्लास नहीं है, एक्चुअली सर ने छुट्टी दिया है, सर को कहीं जाना था तो इसलिए छुट्टी है। एक्चुअली ये भी एक प्रॉब्लम है, मतलब ये छत्तीसगढ़ का है, कोई भी सिस्टम नहीं है, कभी भी मतलब हो जाता है छुट्टी, सर ऐसे दे देते हैं कभी कभार, ऐसे मतलब हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से बारिश हो तो बंद हो जाती है। सो ये सब चीज़ें जो है वो तो है, चलते रहता है, एक्चुअली क्या करें, हम लोगों का भी ट्रांसफरेबल जॉब है, हम लोग इस तरह, मतलब मेरे शादी को 11 साल हो गए, तो इस 11 इयर्स हो गए, कंप्लीट हो गए, तो 11 साल में पूरे मेरे हस्बैंड के साथ घूम रही हूँ तरह तरह जगह में, अच्छा भी लगता है, कुछ टाइम में कुछ मुश्किल भी आ जाती है, जैसे कि इस छत्तीसगढ़ में यहाँ पे लाइफ लीड करना मतलब बहुत ही मुश्किल है, मतलब ऐसे तो कुछ मुश्किल मतलब नहीं है, जैसे लोग बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ मतलब यहाँ पे तो उतना दिक्कत मतलब उस तरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, जो फैसिलिटी है स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा कम है। और हम लोग तो छत्तीसगढ़ से भी थोड़ा, मतलब रायपुर से भी थोड़ा बहुत अंदर रहते हैं, ये एक विलेज जैसा एक शहर है, इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा सामान है जो ब्रांड का, वो बिल्कुल मिलता ही नहीं है, मतलब अभी तो ऑनलाइन अमेजन वो सब आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाता। तो क्या करे, ये लाइफ है, इसको इसी तरह जीना है। तो और हो गया हम लोगों का यहाँ, हम लोग ऑलरेडी जो है 3 साल हो गया, अभी ये 4 साल चल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर में भी हम लोग यहाँ से जाएंगे और किसी अच्छे जगह जाएंगे, आई होप सो। इससे पहले हम लोग भाईजैक में थे, उसके पहले हम लोग बेंगलोर में थे, तो इस तरह के जॉब तो है तो चलता रहता है, क्या करें, लाइफ लाइफ है ये भी, अच्छा भी लगता है कभी कभार कि बहुत सी जगह जो है घूमना हो जाती है। नॉर्मली अगर मुझे यहाँ पता नहीं होता कि मतलब ऐसी जगह है तो हम कभी नहीं आते, मतलब इतने यहाँ पे भी बहुत कुछ एक्चुअली है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है, एक्चुअली मैं जहाँ रहती हूँ ये टूरिस्ट स्पॉट ही है एक तरह का छत्तीसगढ़ का, तो यहाँ पे फेमस एक वाटरफॉल भी है, टेम्पल भी है, यहाँ का दशहरा जो है बहुत ही फेमस है। तो मैं एक्चुअली ना 3 साल हो गए मैं यहाँ आई हूँ, मैंने कभी यहाँ का दशहरा नहीं देखा, मतलब उस टाइम में हम लोग का भी दुर्गा पूजा रहता है तो हम लोग भी घर चले जाते हैं कोलकाता, तो इस बार मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि हम लोग यहाँ रहेंगे, क्योंकि मे बी इस साल ये हमारा लास्ट यहाँ पे होगा दशहरा, तो हम यहाँ देखेंगे, तो देखते हैं क्या होता है, अभी तो सोच के रखा है, तो बस यही यही चलता रहता है। बट यहाँ पे क्या है ना, उतना पॉल्यूशन नहीं है, मे बी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है डेली लाइफ को लेके, बहुत ज़्यादा पावर कट, बहुत ज़्यादा वो सब चीज़ है, पावर कट है, उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है,
और मतलब ये सब चीज़ें जैसे एक्टिविटी जो क्लासेस डाले तो है, पर उतना हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। मतलब जो लोग बाहर से आए हैं, बाहर जैसे इससे पहले हम लोग फाइजैक में थे, वहाँ पे दिए थे तो बहुत ही अच्छा था, यहाँ पे उतना अच्छा नहीं है, पर क्या करे, देना पड़ता है। तो ये सब तो है ही चीज़ें, लेकिन बाकी आप चीज़ें देखो, जैसे पॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं है, बाहर जितनी पॉल्यूशन है वो सब बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं है। तो बस इस हिसाब से अच्छा है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, इतना मतलब पेड़ है यहाँ पे, इतना बोलते हैं ना ऑक्सीजन, फुल ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये सब चीज़ें तो है काफ़ी अच्छा। तो एक्चुअली यही है लाइफ, और क्या करें, चलता रहता है ये लाइफ, इसी तरह चलना होगा। मैंने इस वीडियो में मेरी लाइफ का कुछ मोमेंट्स की जो पिक्चर है वो मैंने शेयर किया है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। मेरी लाइफ की कुछ मोमेंट्स, कुछ स्पेशल मोमेंट्स भी बोल सकते हैं, मैं कहीं घूमने गई हूँ, मैं ऐसे किसी भी मौके पे, मेरी बेटी के बर्थडे पे जो पिक्स थे, तो मैंने वो सारे यहाँ पे, उस सारे तो नहीं पर कुछ मैंने जो पिक्स थे जो बहुत ही अच्छे थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप लोग देखिएगा ज़रूर, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने आज पहली बार मेरी वीडियो देखा वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जब सब्सक्राइब करेंगे तो जो बेल बटन आता है उसको प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे से मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।